सरकार आपके द्वार। तो जिस भी गांव में विकसित भारत यात्रा जाती है वहां पे सभी लोगों के हैंड टू हैंड काम होते हैं। वो अपने एजेंडे में आगे क्या लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नया एजेंडा क्या रहेगा उसी पे सभी काम तो करेंगे जी। विकास पर वोट कौन मांगेगा? गठबंधन करके 5 साल तक सरकार चलाई, जी जी अगर जी गठबंधन में चुनाव लड़ा तो फिर टिकट अनुदान के पाले में चले जाएगी, आप लोग क्या करेंगे? संकल्प यात्रा निकाली जा रही हो, वहां पर अधिकारियों को इकट्ठा करके काम करवाने के लिए आदेश दिए जा रहे हो, तो ये पूरे जो पीछे के 9 साढ़े 9 साल का कार्यकाल रहा है उस पर एक सवाल उठाता है कहीं कहीं। आज भी उकलाना की अगर हम बात करें, क्योंकि आप हल्का उकलाना के अंदर ही संघर्ष कर रहे हैं, जी 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 तो यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर अपने अपने बोर्ड लगाने की होड़ लगी रहती है। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं, पूरे हरियाणा में ही नहीं जी। हरियाणा क्या मैं तो कहूँगा, भारत में भी नहीं है। हुड्डा साहब ने भी पीछे बोला था, भी बड़े ईमानदार आदमी है। बहादुर सिंह नंगथला पे पार्टी विश्वास जताई जी और जी उधर से अनूप धानक जेजेपी की टिकट लेकर के यहाँ पर आ जाए, जी तो जी क्या बहादुर सिंह नंगथला ये कहता हुआ मिलेगा कि अनूप धानक ने विकास करवाया, या ये आरोप लगाएगा कि उन्होंने 5 साल में भ्रष्टाचार किया है? उकलाना के अंदर अभी एक और ब्रिज का काम चला हुआ है, जी उसको लेकर जी के लोग बहुत परेशान हैं। आपकी गठबंधन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्यों? उनको काफी दिक्कतें, खाद की समस्या यहाँ पर रही है, तो इस प्रकार जो समस्याएं लोगों को रही है उसके बावजूद जब आप लोगों के बीच जाएंगे लोग आपको सवाल नहीं करेंगे। नमस्कार, द मीडिया हाउस के चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप लोगों का हम हर बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इतना मान सम्मान प्यार स्नेह आपने दिया, साथ में जिन साथियों के सुझाव हमें मिलते हैं चाय पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर, उनको भी हम लगातार अपने इस कार्यक्रम में आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो सुझाव आप दें उन पर हम अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह नंगथला। सर, स्वागत है चाय पे चर्चा में आपका। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके चैनल का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमें चाय पे बुलाया। चाय लीजिए सर, चर्चा हम शुरू करते हैं। थैंक यू। बहादुर सिंह जी, जी आपने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की है या शुरू से ही आपका बीजेपी से लगाव रहा है? नहीं, मैंने 1 अगस्त 2019 को ज्वाइन की थी जी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने जो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रति प्यार है और आपसी समाज में जो भारतीय जनता पार्टी भाईचारा और एकता का जो संदेश देती है, और मोदी जी, आदरणीय मोदी जी के जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर, आदरणीय जो मनोहर लाल जी हैं, एक ईमानदार छवि के हमारे सीएम हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने 1 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। हल्का उकलाना में अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि बहादुर जी सिंह नंगथला भी चुनाव लड़ सकते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए जी, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, सभी हमारे उकलाना के जितने भी गाँव हैं सभी में जा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और बाकी जैसे पार्टी का जो आदेश होगा हम अपनी तरफ से तैयार हैं, बाकी पार्टी के आदेश सिर मत। मतलब आपने अपनी तैयारियां शुरू की हुई हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी आपका संकल्प है जो एक भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की हुई है, कहाँ तक पहुँची और उकलाना कैसा रिस्पॉन्स इसका रहा? इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी। जैसे भी हर डिपार्टमेंट के वहाँ पे अधिकारी आते हैं जिनका जो भी काम है, सरकार आपके द्वार, तो जिस भी गांव में विकसित भारत यात्रा जाती है वहां पे सभी लोगों के हैंड टू हैंड काम होते हैं, और सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इससे बहुत ही अच्छा सभी को महसूस भी हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि 10 साल जब बीजेपी की सरकार इस बार 5 साल से गठबंधन में है, जी, जी 10 साल लगातार सत्ता में है और उसके बावजूद भी एक संकल्प यात्रा निकाली जा रही हो, वहाँ पर अधिकारियों को इकट्ठा करके काम करवाने के लिए आदेश दिए जा रहे हो, तो ये पूरे जो पीछे के 9 साढ़े 9 साल का कार्यकाल रहा है उस पर एक सवाल उठाता है कहीं कहीं? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं उठता,
क्योंकि अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अनेक प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई हुई हैं, उनका सभी का बड़े अच्छे रूप से काम चल रहा है। अगर कोई भी वंचित रह जाता है तो ये इसलिए विकसित यात्रा चलाई गई है भाई, जो इसमें रह गया वो आए और अपने मौके पर काम कराए। जी अभी लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी जो आपकी 5 साल तक गठबंधन की सरकार है, तो क्या तैयारियां हैं कि अगर हुगलाणा में इस बार भी गठबंधन रहा, क्योंकि पहले अलग अलग चुनाव लड़े जसपा ने और बीजेपी ने, गठबंधन करके 5 साल तक सरकार चलाई, अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा तो फिर टिकट अनुदान के पाले में चले जाएगी, आप लोग क्या करेंगे? देखिए जी, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और हमारा जो स्टेट का नेतृत्व है ये तो उनका है। आपको क्या लगता है, गठबंधन रहेगा या टूट जाएगा? ये भी केंद्रीय नेतृत्व के नहीं, बार बार बातें तो आ रही हैं सामने। बातें तो देखो आ रही है, जब तक केंद्रीय नेतृत्व को अच्छा लग रहा है चल रहा है जी, बढ़िया चल रही है सरकार, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आज भी उकलाणा की अगर हम बात करें, क्योंकि आप हल्का उकलाणा के अंदर ही संघर्ष कर रहे हैं, जी जी जी, तो यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर अपने अपने बोर्ड लगाने की होड़ लगी रहती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो सभी मिल के ही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भी, ना तो कोई जेजेपी के साथ कोई विरोध है, वो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सभी की है, बीजेपी की भी सरकार है, जेजेपी की भी सरकार है, सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही थी। अभी बार बार सवाल उठते रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, विपक्षी आरोप लगाते रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उकलाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं, पूरे हरियाणा में ही नहीं जी, हरियाणा क्या मैं तो कहूँगा, भारत में भी नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं एक ईमानदार छवि के हैं जी, जैसे सफेद सफेद कपड़ों के अंदर शांत हैं, बिल्कुल ईमानदारी से काम करें। ये तो हुड्डा साहब ने भी पीछे बोला था, भी बड़े ईमानदार आदमी हैं। देखिए हुड्डा साहब ने क्या बोला मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर गठबंधन टूट जाता है, उधर से बहादुर सिंह नंगथड़ा पे पार्टी विश्वास जताए और उधर से अनूप धानक जेजेपी की टिकट लेकर के यहाँ पर आ जाए, तो क्या बहादुर सिंह नंगथड़ा ये कहता हुआ मिलेगा कि अनूप धानक ने विकास करवाया, या ये आरोप लगाएगा कि उन्होंने 5 साल में भ्रष्टाचार किया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ये सरकार तो अब एक ही हमारी, उनकी और हमारी, जो वो अपने एजेंडे में आगे क्या लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नया एजेंडा क्या रहेगा, उसी पे से भी काम करेंगे। तो विकास पर वोट कौन मांगेगा फिर? विकास तो बहुत हो रहा है जी और आगे भी होएगा जी। नहीं, बीजेपी वाले मांगेंगे या जेजेपी वाले? राज्य मंत्री तो कहेगा मैंने विकास करवाया, फिर आप किस चीज़ के वोट मांगेंगे? नहीं, पीछे पे तो हम दोनों ही कहेंगे जी हमने कराया, क्योंकि हमारी भी सरकार है, उनकी भी सरकार थी, वो तो एक ही साथ है जी सरकार। तो बहादुर सिंह जी, उकलाणा के अंदर अभी एक और ब्रिज का काम चला हुआ है, उसको लेकर के लोग बहुत परेशान हैं, आपकी गठबंधन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्यों? नहीं, बहुत तेजी से काम चल रहा है जी। जैसे मान ले अमूमन देखा जाता है, अभी पुल का एक साइड से काम होता है, तो दोनों साइड से शुरू कर दिया काम, और उसमें जो टाइम है टाइम पे लगे बीच रहते हैं। कभी आपने उस पुल का निरीक्षण किया है? हाँ बिल्कुल किया। तो रास्ता देखा आपने, कैसे जाना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, दिक्कत नहीं है? नहीं देखो, बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो ये जी, जब इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, इतना बड़ा रास्ता बंद हो गया है, तो ऑप्शन में कोई छोटे रास्तों से जाना पड़ेगा? तो इतना बड़ा रास्ता तो वैकल्पिक रास्ता तैयार भी नहीं, रास्ते तो देने चाहिए ना। ये तो जब ड्राइंग तैयार की गई होगी पुल की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उस समय की गई होगी, तो आपको नहीं लगता कि आप जैसे जो जनता के वोट लेना चाहते हैं, उन्हें वहां खड़ा होकर के जिनके पास ये टेंडर है उनको बुला करके पूछना चाहिए कि ये वैकल्पिक रास्ते कहाँ से हैं, क्यों तैयार नहीं हुए? वो जो शहर के अंदर है ना, उन्हीं से हमें थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा रास्ता वहाँ पे बन ही नहीं सकता। आप भी उकलाणा में रहते हो, आपने भी देखा होगा, अगर आपके ध्यान है तो कोई आप बताओ जी। हमारे तो बहुत कुछ ध्यान है। चलिए मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि पिछले बार जब चुनाव के शंखनाद हुआ था, उस समय करीबन करीबन 17 से 20-22 के करीब बीजेपी के लोग जो टिकटार्थी थे, इस बार 2-3 ही नजर आ रहे हैं, जिसमें एक बहादुर सिंह नंगथड़ा है, बाकी कहाँ गायब हो गए? देखो जी, वो तो वही बता पाएंगे, मैं तो मेरी बता सकता हूँ भी, मैं कभी भी मतलब अपने घर पे रेस्ट नहीं किया, सुबह से और शाम तक की मेरी दिनचर्या सभी भाइयों के बीच में ही होती है जी। चलो मुख्यतः मान लेते हैं आशा खेदर, बहादुर सिंह नंगथड़ा और सीमा गैबीपुर, तीन आजकल मुख्य रूप से टिकटें मांग रहे हैं, तो उसमें बहादुर सिंह नंगथड़ा कहाँ स्थान रखते हैं अपना? देखो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ जी, बाकी तो संगठन देखेगा मेरा स्थान कहाँ है। तो आपकी मेहनत संगठन तक पहुँच रही है? मैं मेहनत कर रहा हूँ जी, बिल्कुल पहुँच रही है जी।
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो 5 साल का कार्यकाल गया है जी जी, इसके अंदर जिस प्रकार से विकास के दावे किए गए हैं जी जी, उसमें लोगों को खास करके पीपी का जो योजना लागू की गई, चाहे वो किसानों की बात की जाए, हाँ जी, उनको काफ़ी दिक्कतें, खाद की समस्या यहाँ पर रही है, तो इस प्रकार जो समस्याएं लोगों को रही है उसके बावजूद जब आप लोगों के बीच जाएंगे लोग आपको सवाल नहीं करेंगे? नहीं, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं। देखो थोड़ा बहुत तो कोई लेट हो जाता है, वो एक अलग बात है, कभी बाकी टाइम टू टाइम ही मिल रही है सारी चीज़ें, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, अनेक प्रकार के, जैसे आप छह फसलों का मुआवजा लगा लो, बहुत अच्छा रहा जी। पीछे तो इतना कहाँ होता था, पीछे तो आपने भी देखा होगा, पीछे तो किसी के 200-300 रुपये कहीं के, कई बार तो हमें चेक भी देखने को अखबार में मिलते थे, एक तो 3 रुपये का चेक भी पेपर में था पिछली सरकार के टाइम में, और अब तो बहुत अच्छा है जी, 25-30 हज़ार रुपये तक मुआवजा प्रति एकड़ मिल रहा है, बहुत अच्छा है जी, ऐसी बात नहीं, किसान बहुत खुश हैं, अनेक प्रकार की सब्सिडियाँ मिल रही हैं, चाहे आप सोलर पंप वाली लगा लो, सोलर पंप जिस भी किसान के खेत में लग गया वो तो निहाल हो गया जी जी, अभी उसको ना तो रात को जाना पड़ता कहीं और अपने दिन दिन में पानी लगा के फारिग हो जाता है, बहुत अच्छी किसानों के लिए अनेक प्रकार की सब्सिडियाँ हैं जी, किसान फायदा उठा रहे हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उकलाना में फिर किन को राजनीतिक गुरु मान करके आगे बढ़ रहे हैं? उकलाना में तो हमारे आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी हैं जी, उन्हीं को। तो हाई कमान में किन किन को आदर्श मानते हैं? बस आदर्श तो क्या, बाकी अपनी मेहनत करते हैं जी, बाकी को हाई कमान ने देखना जी। आपको लगता है कि इस बार हाई कमान उकलाना में खास करके बहादुर सिंह नंगथड़ा को कहेगी कि जाओ और पार्टी की सेवा करो, कितना विश्वास है? विश्वास पूरा है जी, क्योंकि मैं बार 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 इस प्रश्न को इसलिए दोहरा रहा हूं कि जिस तरह से आप धरातल पर मेहनत कर रहे हैं जी जी, और लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई है कि बहादुर सिंह नंथड़ा भी इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं लोगों में जब चर्चाएं हो जाती है तो वो ऐसे तो होते नहीं, आपने कहाँ ग्राउंड बनाया है ऊपर संगठन से लेकर नीचे धरातल तक? देखो जी, संगठन में क्या, सभी जो भी हमारे बड़े संगठन के अधिकारी हैं उन सभी से मिलना जुलना रहता है, और खासकर जैसे जनता के बीच में रहना, जनता के बीच में सुख दुख में जाना, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में जाना जी जी। तो कोई विशेष मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं? बस विशेष मैसेज तो ये है कि जी, पीछे अभी जैसे 3 स्टेट के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर बड़ी भारी जीत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने सभी को ये भी बताने का काम किया है कि भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेहनत करते रहो, हो सकता है जो आखिरी पंक्ति में बैठा हो उसका भी नंबर आ जाता है, ये आपने देखा ही अभी। तो आपने क्या किसी ने सोचा ही नहीं था भी आखिरी वाले को भी उठा के मेन सीट पे बिठा देते। ये विश्वास है कि आप आखिरी पंक्ति से पहली पंक्ति में आ सकते हैं? देखो जी, सभी को विश्वास रखना पड़ेगा, और मैं भी विश्वास रखता हूँ जी, और अपनी मेहनत करनी चाहिए जी। बाकी संगठन देखता है जी। ये थे हमारे साथ बहादुर सिंह नंगथड़ा, जिन्हें विश्वास है कि बीजेपी पार्टी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का भी ख्याल रखती है, और ये उकलाना से अपना भाग्य आजमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो हाईकमान को देखना है, इनके संगठन को देखना है कि वो इनकी मेहनत पर किस प्रकार से मोहर लगाते हैं। फिर किसी साथी के साथ चाय पर चर्चा होगी, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।